अगर दिल से प्रार्थना की जाए तो वह अवश्य पूरी होती है। बस प्रार्थना में महत्वपूर्ण आपके भाव और आपकी श्रद्धा होती है। केदारनाथ में घटी यह घटना यही साबित करती है कि आखिर केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता, मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार बंद तो बंद, नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करवा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। और सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास लग रही थी। उसने किसी को अपनी ओर आते हुए देखा, एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और पास में बैठ गए और पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया और फिर बहुत देर तक उसके साथ बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई और बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के प्रकाश के साथ भक्त की आँख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वहाँ बाबा नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल ही तो आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच यहाँ पर कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? हम 6 महीने होते ही वापस आ गए हैं। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे मुझसे, रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ, तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और उसकी सारी मंडली हैरान थी, इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी बाबा आए थे, लंबा उनका कद था, बड़ी बड़ी जटाएँ, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डबरू लिए मृगशाला पहने हुए थे। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए और बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं, उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। हम आपकी भक्ति को प्रणाम करते हैं। जय बाबा केदारनाथ। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो के लिए
लाइक और सब्सक्राइब करें। Thank you.